हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं आशीष। चलिए हम बात करने वाले हैं दुर्गापुर शो के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लगता है कि रिव्यू के दो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो ये सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आ गई हूं। फ्रेंड्स, ये जो दुर्गापुर शो था, इसके बारे में ऑलरेडी आपको अपडेट कर चुकी थी कि आई वॉज ट्रैवलिंग। सो कई बार ऐसा हुआ कि नेटवर्क एरिया से थोड़ा सा कम थी, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हो सकता है कुछ एक गाने कुछ एक चीजें मुझसे मिस हो गई हो। इनकेस आपके पास और भी एडेड इन्फॉर्मेशन है, शेयर कर लो यार। मैंने कब मना किया, मैं एक और स्टोरी बना दूंगी इन लोगों के लिए, तो मैं इन लोगों पर स्टोरी बनाने में माहिर हो चुकी हूं। मजा आता है यार। सो एनीवेज, दुर्गापुर वाले जो शो है उसके बारे में बात करती हूँ। कुछ एक ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे लगा कि अलग से इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, दो रंग होते हैं, कभी कभी दो रंगों को नहीं भी मिलाना चाहिए, नहीं तो बड़े अजीब से मिक्स से कंफ्यूजन वाले रंग बन जाते हैं। सो वैसे ही अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जो पवन, अरुणिता, अरुदीप मोमेंट्स थे और बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, जो आपके दिल को चुराकर और छू कर चले जाते हैं और मालूम पड़ जाता है कि यार कुछ तो है यार इन दोनों में। अदरवाइज जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, इंडियन आइडल 14 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इंडियन आइडल 12 के ये जो दो कलाकार हैं, ये अभी भी लोगों के सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। नाच रहे हैं मतलब गा रहे हैं, मैं ये बोलती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा तालियों के साथ इनका स्वागत किया जा रहा था, मतलब मैं इतने जब भी सुन रही थी ऐसा लग रहा था कि लोग तैयार बैठे हैं कि ताली बजाएं और बस हम लोग इनको पकअप करते रहे, हम लोग इनको सपोर्ट करते रहे, ये लोग सब गाते रहे और गाते ही रहे, बिल्कुल ना रुके, ऐसा हो ही ना। तो ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बड़ी रसिक, जैसे बोलते हैं ना, ये एक संगीत रसिक जनता आई थी उसे देखने के लिए। सर्टनली अलग अलग तरीके के लोग रहे होंगे, उसके बारे में जैसी जानकारी और मिलती है आपके पास होती है तो वो भी शेयर कर दीजिए। तो बहुत ही रसिक श्रोता रहे हैं। और फ्रेंड्स, उसमें भी क्या होता है, दुर्गापुर जो एरिया है ये एक कहा जाता है कि चंडीगढ़ के बाद बना हुआ ये ऐसा दूसरा शहर है हमारे देश का जो सुनियोजित तौर पर बसाया गया है। औद्योगिक भी है ये क्षेत्र, कई सारे जंगल से भी घिरा हुआ ये क्षेत्र है, इसलिए इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ एक जो पवन अरुणिता के सॉन्ग्स थे उसने भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया है। अरुणिता तो सर्टनली शी इज बांग्ला गर्ल, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका प्यार अलग छलकता ही है, लोगों का जो उसके प्रति प्यार होता है वो। अब ऐसे में क्या हुआ फ्रेंड्स, अरुणिता के लिए भी ना गाने तो बड़े सुंदर गा रही थी, लेकिन लोगों की डिमांड्स बड़ी आ रही थी कि सत्यम शिवम सुंदरम सुना ही दिया जाए तो बड़ा मजा आएगा। और जैसे ही सत्यम शिवम सुंदरम आया, सर्टनली एक बार फिर से आपके दिमाग में वही सब चीजें आ जाती है कि आय हाय, ये लड़की ये वाला गाना जब भी गाती है तो एकदम से आप इंडियन आइडल 12 के उस शुरुआती दौर में पहुंच जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये कि तो अरुणिता वाज सिंगिंग अ बांग्ला सॉन्ग, पवनदीप ऑल्सो सैंग बांग्ला सॉन्ग्स। ओई डाक्चे आकाश, जो कि देव बाबू पर पिक्चराइज किया गया है, और बहुत सुंदर लगता है, सुनते सुनते ना मजा आ जाता है। मैंने तो उसी दौरान सुना था व्हेन ही वाज डूइंग इंडियन आइडल, मेरे को तब से ये गाना पसंद आ गया, पहली बार सुना पसंद आ गया। और अपूर पायार चाप, ये गाना मुझे कुछ सुनने में आया, सर्टनली मैं वर्डिंग्स बहुत क्लियरली नहीं समझ पा रही थी, बट इट वॉज साउंडिंग गुड। तो आई एम श्योर पवन की आवाज का है, तो कोई भी गाना हो, कोई भी वर्डिंग्स हो, अच्छा ही रहा होगा, ये मानकर चल रही हूँ। अब एक और चीज जो मुझे नजर आती है, दैट इज तुम तो धोखेबाज हो, ये वाला गाना। उफ, ओ गॉड, व्हाट लव दिस सॉन्ग हैज गॉट एंड व्हाट ऑल नॉस्टैल्जिया इट गेव अस, कांट बिलीव दैट। मतलब पवन अरुणिता गाए ना गाए, उसके पहले दर्शकों ने, श्रोताओं ने जो गाना शुरू कर दिया, तुम तो धोखेबाज हो, और फिर इतनी जोर से गाया कि इन दोनों को, बेचारों को भी ना गा देना पड़ा। वॉट अ पॉपुलैरिटी यार, कि आपके गाने, आपकी प्यारी प्यारी सी जो बदमाशियां, आपके प्यारे प्यारे से जो रियलिटी शो के मोमेंट हैं, वो भी लोगों को याद आते हैं और वो भी लोग इंजॉय करते हैं और उस चीज को, उस पल को वापस जीना चाहते हैं, इसलिए वाला गाना वो सुनना चाहते हैं। दोनों ने गाया भी, बट हाँ, मैं भी इंडियन आइडल 12 के उस दौर में पहुंच गई जहां पर पवनदीप वर्ड्स भूल गए थे। होता है यार, अरुणिता कितनी सुंदर दिखती है, दो अलग अलग बातें मिक्स मत कीजिएगा कि पवनदीप वर्डिंग्स भूल गए, अरुणिता बहुत सुंदर दिखती है और बहुत सुंदर गाती है, इसको मिक्स नहीं करना है, गलत बात होगी। एनीवेज, उसके बाद दीवानी मस्तानी वाला गाना भी खूब डिमांड हो रही थी,
सडनली लाइव बंद हो गया था, तो मुझे नहीं पता कि वाला गाना उन्होंने परफॉर्म किया या नहीं किया। और फिर मुझे जो पवनदीप के एक फेवरेट सॉन्ग जो मेरी लिस्ट बनती है उसमें धड़क का गाना मैं हमेशा सुनती हूँ, क्योंकि इन दोनों की आवाज़ में वो कुछ अलग ही नशा आ जाता है इस गाने को जब मैं सुनती हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो जस्ट थॉरली एंजॉयड। आई रियली विश मैं वहीं पर होती तो बड़ा मजा आता मुझको। अब आप बताइए, और मैंने कुछ मिस कर दिया तो लिखकर बताइए, थर्ड पार्ट ऑफ रिव्यू भी बन जाएगा उसका टेंशन ना लीजिए। जय हिंद।